न्यूज के साथ और आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले युवाओं को रिझाने में लगी योगी सरकार। यूपी में जल्द टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी बीजेपी। खबर है कि टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा, जिसके लिए अब तक 40 लाख छात्रों के रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में करीब 68 लाख छात्रों को इसका लाभ सीधे सीधे तौर पर मिलेगा। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अशोक तिवारी, अब ये टैबलेट कभी स्मार्टफोन ये जीत दिलाएंगे क्या उत्तर प्रदेश में पार्टियों को? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरह से लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिलाओं को खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। टिकट वितरण में 40% हिस्सेदारी की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्रयास युवाओं को रिझाने के लिए किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो टैबलेट और स्मार्टफोन है वो वितरित किए जाएंगे छात्रों को, और इसके लिए तकरीबन 40 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण भी करवा लिया है। सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि तकरीबन 68 लाख छात्रों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाली 20 तारीख को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आयोजन भी सरकार की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि यह तारीख अभी तय नहीं की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा, और इस पूरे वितरण को एक भव्य आयोजन की शक्ल देने की भी तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो खासतौर पर युवाओं की आबादी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से है, उसको खासतौर पर आकर्षित करने के प्रयास के तौर पर इस पूरी योजना को देखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख को एक बड़ा आयोजन राजधानी लखनऊ में होगा, जिसमें युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जनसभा को, उस वितरण आयोजन के दौरान जो आयोजन आयोजित किया जाएगा, उसको संबोधित भी करेंगे।